आज सावन के सातवें सोमवार को बाबा महाकाल की सातवीं सवारी धूमधाम से निकाली गई। राजाधिराज बाबा महाकाल चांदी की पालकी में चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में विराजित होकर प्रजा का हाल जानने नगर भ्रमण पर निकले। आज बाबा महाकाल ने अपने भक्तों को जटाशंकर स्वरूप में दर्शन दिए। वहीं आज नाग पंचमी और सावन सोमवार होने से लाखों श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के दर्शन किए। सावन भादो मास में भूत भवन बाबा महाकाल की सवारी निकाले जाने की परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। इसी परंपरा के चलते आज सावन के सातवें सोमवार को भगवान महाकाल की सवारी निकाली गई। अपराह्न 4 बजे मंदिर के सभा मंडप में मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित घनश्याम शर्मा के आचार्यत्व में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम और महापौर मुकेश टटवाल ने बाबा महाकाल की पूजा अर्चना कर पालकी को कंधा देकर महाकाल को नगर भ्रमण के लिए रवाना किया। इस दौरान मंदिर के मुख्य द्वार पर पुलिस टुकड़ी द्वारा महाकाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद राजाधिराज चांदी की पालकी में चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में सवार होकर राजसी बाट के साथ प्रजा का हाल जानने नगर भ्रमण पर निकले। आज बाबा महाकाल ने अपने भक्तों को जटाशंकर स्वरूप में दर्शन दिए। वहीं हाथी पर मन महेश, गरुड़ रथ पर शिव तांडव, नंदी रथ पर उमा महेश, टोल रथ पर होलकर, स्टेट के मुखार विंद और नए रथ पर जटाशंकर विराजित होकर निकले तो श्रद्धालुओं ने अपने राजा के स्वागत में फूल बरसाकर पलक पांवड़े बिछा दिए। वहीं सवारी के रामघाट पहुंचने पर बाबा महाकाल का शिप्रा के पवित्र जल से अभिषेक कर पूजन अर्चना की गई। तत्पश्चात सवारी अपने परंपरागत मार्ग गड़गौर दरवाजा, ढाबा रोड, गोपाल मंदिर और पटनी बाजार होते हुए पुनः महाकाल मंदिर पहुंची। सवारी में घुड़सवार, पुलिस दल, पुलिस टुकड़ी और पुलिस बैंड के अलावा भजन मंडलियां शामिल हुई। सवारी मार्ग के दोनों ओर लाखों श्रद्धालु बाबा महाकाल की एक झलक पाने के लिए घंटों से जमे हुए थे। इधर पूरे सवारी मार्ग पर प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे। वंदे भारत से मनीष सोनी की रिपोर्ट। दर्शन पालकी का बहुत बढ़िया हो गया, लेकिन आज इधर बहुत भीड़ है, इसके कारण दर्शन सबका हो गया। पूरा के पूरा टीम पुणे के, महाराष्ट्र के है हम लोग। हम कम से कम 40 लोग है, 46 लोग है। पहली बार ना आके गए, लेकिन मैं पहली बार आया, बाकी सब लोग आके गए। बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। यहाँ आने के बाद बहुत सुकून मिला। जो यहाँ पे खाली इधर ये धरती पे पैर पे रखते हैं तो भी एकदम आदमी खुश हो जाता है। जय भार, मेरा नाम विजय अमरे, पुणे से। अच्छा, नमस्कार। बहुत अच्छा लगा, सब लोगों को साथ में लेके आए, सबको खुशी है यहाँ पे आके। हमारे सब बंदे भी सब खुश है, हमारे इंस्पेक्टर साहब है, उनसे ही बात करिए। ये बड़े इधर से इधर आने के बाद सबको अच्छा लगा और सबका दर्शन अच्छा हो गया। इधर बंद था लेकिन पालकी का दर्शन बहुत अच्छा हो गया है। हर 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 जय भवानी, जय महाकाल के दर्शन किए हैं। बहुत शानदार आनंद आया आज। ये सवारी फर्स्ट बार हमारा देखने का मौका मिला है और आज अथाह जनसमूह यहाँ पे, जो भीड़ देख के हमें उत्साहवर्धन हुआ है। ज़बरदस्त ऐसा पहला माहौल हमने फर्स्ट टाइम यहाँ पे देखा है। हम अजमेर से आए हैं और पूरी फैमिली के साथ आए हैं हम सारे, तो बहुत अच्छा अनुभव हुआ है। और यहाँ की प्रशासन ने भी बहुत अच्छा सहयोग किया, बहुत अच्छी व्यवस्था है, मैनेजमेंट बहुत शानदार, बहुत मैनेजमेंट है, हर सुविधा दे रखी है यहाँ पे। बहुत ही अच्छा मतलब व्यवस्था है बिल्कुल हर जगह की, किसी को कोई परेशानी नहीं। और बाबा के दर्शन हुए हमें, महाकाल बाबा के दर्शन हुए, हम पहली बार आए हुए हैं। मैं पहले करीबन 4-5 बार आ चुका हूँ और मगर फर्स्ट टाइम ये जो सवारी, महाकाल की जो सवारी के दर्शन है वो फर्स्ट टाइम हुए हैं और सावन में भी मेरा फर्स्ट टाइम आने का मौका मिला है।